अमेठी के बाजार सुगल थाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। थाने की साफ सफाई और व्यवस्था देखकर थाना अध्यक्ष शिव जन्म यादव की तारीफ की गई। सुल्तानपुर में सामाजिक संस्था सुगोमती मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने साप्ताहिक श्रमदान पर की सीताकुंड घाट की साफ सफाई, दर्जनों लोग जुटे। अमेठी के बाजार सुकुल थाने के महोना में मेले में दबंगों ने दो व्यक्तियों को जमकर पीटा, भीड़ भरती देख बदमाश हुए फरार, लोगों में गुस्सा, घायल व्यक्तियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने जगदीशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर डॉक्टरों और कर्मचारियों को लगाई डांट, दिए उचित निर्देश। सुल्तानपुर में आवारा पशुओं के कारण लगता है जाम, नगरपालिका कर्मचारी बने हैं मुखदर्शक, पटरी दुकानदारों को खुले हुए आवारा पशुओं से हो रही है दिक्कतें। सुल्तानपुर के गांव निगोलिया में तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने 60 वर्षीय महिला रामधनिया और 18 वर्षीय राहुल कुमारी टक्कर, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर में आज भाजपा के पदाधिकारियों ने निकाली पदयात्रा, लंबुआ विधानसभा में सैकड़ों लोग जुटे, घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई गई। सुल्तानपुर के अभियाकलम में गांधी जी की 150वीं जयंती पर निकाली गई पदयात्रा, भाजपाई हुए एकजुट। सुल्तानपुर के लंबुआ के भेटौरा में बच्चों के विवाद में दो परिवार के लोग भिड़े, गांव के ही रामहित चौहान को लगी गंभीर चोट, इलाज के दौरान हुई मौत, गांव में कोहराम मचा। अमेठी में जाए कस्बे में बदहाल सड़कों को लेकर गुस्से में व्यवसायी उतरे सड़क पर, दुकानें की बंद, जताया विरोध, दी चेतावनी, इलाका अगर गड्ढा मुक्त नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। सुल्तानपुर के चांदा के धूरीपुर में 25 वर्षीय मंजू वर्मा आई बिजली की चपेट में, गंभीर रूप से हुई घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर में आज एड्स दिवस पर अस्पताल में आयोजित हुआ कार्यक्रम, सभी डॉक्टर और कर्मचारी रहे मौजूद। सुल्तानपुर के दुबेपुर के माध्यमिक विद्यालय के सरकारी योजना के तहत रुबेला और खसरा का टीकाकरण किया गया, 150 बच्चों को लगा टीका। अमेठी में मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण कार्यक्रम स्थगित होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस, जल्दबाजी में कराए जा रहे कार्यों को अधूरा छोड़ा, बाजार सुगुल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हो रही पेंटिंग का काम भी बंद, लोगों में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। कंबल वितरण में पक्षपात का आरोप लगाकर सुल्तानपुर में दिव्यांगों ने किया चक्का जाम, योजनाओं का लाभ न मिल पाने से जताई नाराजगी, अधिकारियों में छूटे पसीने। सुबह उनको अतिथि बुलाया गया था सर, कंबल वितरण कराना है आपसे, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, सब लोगों को कह दो जाए बाद में कंबल देंगे, और उन्हीं लोगों को देंगे, 100 आदमी ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बीती 19 नवंबर को सुल्तानपुर के मुदगरपुर में शराब की दुकान में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 अभी तक है फरार, गिरफ्तार हुए बदमाश के पास से पुलिस ने असलहा और कारतूस के साथ लूटी हुई शराब की बरामद, भेजा गया जेल। जहां तक इस घटना के खुलासे की बात है तो पुलिस ने इस घटना का सफल वर्कआउट किया है, जिसमें कि विकास तिवारी, वीर तिवारी, छोटू मनीष और सरद सिंह नाम के 4 लोगों का नाम इस घटना में खुलासे में आया है। सभी लोग इसमें जनपद सुल्तानपुर से बाहर के निवासी हैं, जिसमें कि 3 लोग जौनपुर के हैं। पुलिस ने इसमें से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम विकास तिवारी है, जो सरपता जौनपुर का रहने वाला है। सच्चाई वही जो हम बताएं।